जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जीएसटी से रिलेटेड अपडेट डिस्कस करेंगे। ये अपडेट है कि जीएसटी का ऑफेंस करने वाले को अब बहुत ही ज़्यादा जो है कठिनाई फेस करना पड़ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया जो है पॉलिसी लागू कर दिया है। उस पॉलिसी के अंतर्गत अब जो है जीएसटी का जो अपराधी होगा, मींस जो जीएसटी नंबर रखे हुए हैं और वो किसी तरह का अपराध करते हैं, जीएसटी इनवाइस बिल से रिलेटेड कॉमर्शियल हो या आईटीसी से ही हो, या फेक इनवाइस इशू करते हो, या फिर जो है ना वो टैक्स का इवेजन करते हो, मीन्स टैक्स बचाते हो, इस तरह का कोई भी अगर अपराध होता है उनके द्वारा, वो टेक्निकल अपराध नहीं हो, वो जो है उनके द्वारा मोटिवेशनल या डिटरमाइंड या डिलीवरेटरी जो अपराध अगर रहता है तो उनको बहुत बड़ा फेस करना पड़ेगा। इसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन सा पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेके आया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए और जानिए। और अगर आप जीएसटी टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है कि आप इस तरह के अपराध में नहीं फंसे, नहीं तो फिर आपको बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी आपके ऊपर, और लंबा आपको जो है लंबे समय तक आप कानूनी कार्रवाई में फंस जाएंगे और जेल भी भुगतना पड़ेगा। तो आइए, जैसा कि मैं आपको बताने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए। आइए, जैसा कि मैं बताया, 7 जुलाई 2023 में 7 जुलाई 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल के जीएसटीएन मीन्स जीएसटी का जो नेटवर्क है उसको मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत ले आया है। कहने का अर्थ हुआ कि आप जो जीएसटी नंबर लेते हैं और जो भी आप काम करते हैं जीएसटी नंबर लेने के बाद, मैंने बिल इनवाइस करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, और इसमें अगर फ्रॉड पाया जाता है तो ये जीएसटीएन टीम जो है के जहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं वो जीएसटी नेटवर्क जो है वो ईडी डिपार्टमेंट को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत जो है इन्फॉर्म चला जाएगा। और वो ईडी डिपार्टमेंट के अंतर्गत के पास जब जाएगा तो ईडी डिपार्टमेंट जो है जीएसटी डिपार्टमेंट को शेयर करेगा और जीएसटी डिपार्टमेंट को शेयर करेगा तो फिर आपके ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, मीन्स एसजीएसटी हो या सीजीएसटी हो, के अंतर्गत जो है आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अगर ये स्मॉल अमाउंट का होगा तो अगर इस पे जब कार्रवाई होगी और इसमें पाया जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये सिचुएशन है या ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन सकता है और इसमें अगर हैवी अमाउंट के आपके रहेंगे तो ये ईडी डिपार्टमेंट को केस ट्रांसफर हो जाएगा और फिर ईडी डिपार्टमेंट मनी लॉन्ड्री एक्ट के अंतर्गत आपसे या आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर देगी। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी अभी ईडी के नाम से पूरे भारत में भयावह फैला हुआ है, क्योंकि करप्शन पे बहुत बड़ा चोट हाथ मारती है ईडी डिपार्टमेंट। ईडी डिपार्टमेंट डायरेक्ट उनके पास केस नहीं जाता है, वो किसी रिलेटेड पार्ट से जाता है। अगर सीबीआई के पास केस आया, सीबीआई से फिर जो है ईडी डिपार्टमेंट में जाता है, सीबीआई को पता चलता है कि अगर यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का है तो वो ईडी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देती है। अगर स्टेट विंग में अगर उसको जो है ईडब्ल्यूएस को पकड़ पड़ता है, इकोनॉमिक्स विंग को
जब स्टेट गवर्नमेंट का पता चलता है इस तरह का, तो फिर वो ईडी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरह अब जीएसटी डिपार्टमेंट को जो है पता चल जाएगा ईडी डिपार्टमेंट से, और ईडी डिपार्टमेंट उस पे तब तक कार्रवाई नहीं करेगी जब प्रामना फेसी जो है, जब तक ये हैवी अमाउंट नहीं रहेगा। और ये जो है जीएसटी डिपार्टमेंट अपनी तरफ से छानबीन चालू कर दे, अगर ये कम अमाउंट का है तो आपका अरेस्ट भी हो सकते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, और स्टेट विंग के हिसाब से जो है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्रॉड के अंतर्गत आपका जो है केस चालू हो जाएगा। अगर ये है यहाँ पे पाया जाएगा कि आप ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया है और ये हैवी अमाउंट का है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत लिमिटेशन फिक्स किया गया है, अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर ये ईडी इसमें आ जाएगी, और ईडी आने के बाद फिर आपका बड़े व्यापक लेवल पे आप इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी, और इस ना तो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत होगा, जीएसटी एक्ट में आप कह सकते हैं सीजीएसटी एक्ट हो या एसजीएसटी हो, इसके अंतर्गत नहीं होगा, डायरेक्ट आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आपके पास के ऊपर कार्रवाई चालू हो जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, आपसे अगर आप लोग टैक्स पेयर हैं जीएसटी का, और या टैक्स पेयर बनना चाहते हैं जीएसटी का, तो हर टैक्स पेयर को सुझाव है कि आप लोग जो है जीएसटी ऑफेंस करने से बचें, नहीं तो आगे जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगर हैवी अमाउंट का होगा तो ईडी के चक्कर में फंस जाएंगे, तो फिर लंबे समय तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू, भारत माता की।